ए डार्लिंग मुझे देना। ए, नहीं दूंगा। अरे देना डार्लिंग मुझे देना। लगती है मेरी ब्यूटी मेरे मेरी चा... अरे किधर गई वो पोटली थे इधर माटी मिले। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दर्द की मुंडी अलग कर दूंगा। भाई भाई हट जाओ। ए हट जाओ। अरे छोटे अरे छोटे अरे छोटे छोटे क्या हो गया भाई छोटे ये क्या को फोन लगा। ठीक है भाई। ये लो भाई। माँ वो गहने हमें ही मिले हैं और वो शंकर के सामने तू मार रही लगनी चाहिए। हाँ आ रहा हूँ। चलो चलो। ए, सुन रहा है क्या? आज मेरा बेटा लखन गहने लेकर आ रहा है। हम जीत गए हैं। वो शंकर को मैं अपने पैरों तले ऐसे कुचलूंगी ऐसे कुचलूंगी। हाँ अरे ढोल बजा रहे। के आ रहा है राजा देखो इधर है सज धज के आ रहा है उनके तन पे वो गहने सज रहे हैं। शंकर भैया की जय। शंकर भैया की जय। बहुत बढ़ रही थी। आज तुमने साबित कर दिया कि उसने शेरनी का दूध नहीं बिल्ली का दूध पिया है। असली शेर तो ये है ये देख रहे। उसका चेहरा देख। असली गहना समझकर उसे पहन ले। हाँ एक को अपने सर पे रख ले एक को गले में बांध ले और एक को कमर पे। चुप कर रहा है। तूने क्या किया रे? अरे मम्मी क्या कर रही हो सबके सामने? अरे लगता है बहुत बेटा है क्या? इन 40 सालों में या मैंने कभी हार नहीं मानी और आज इस शंकर के सामने तेरी वजह से मुझे हार माननी पड़ी। तू लानत है तेरी जिंदगी में। देख उसको, देख वो गहने पहनकर कैसे मुझे ललकार रहा है। देख देख कैसे चिल्ला रहा है मजे ले रहा है। आज तक मैं सोचती रही कि मैंने एक मर्द के बच्चे को पैदा किया है लेकिन आज पता चला कि मैंने चूड़ी पहनने वाले को पैदा किया है। तू तेरी जिंदगी में तूने मेरे कोख को गंदा किया मेरा अपमान किया है तूने। जीना नहीं चाहिए भाई। तुम रो मत भाई। अरे रो मत भाई हम लोग हैं ना भाई। रो मत।
आप सिर्फ हमको बताओ, हम उस लकड़ा को चीर के रख देंगे। आप रो मत भाई। देखो भैया, तुमसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, तुमसे तो मुलाकात करने आया हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी दोस्ती। देखो भैया, तुम इस वक्त दुखी हो और अब तक तुम शेर की तरह रहे हो। हाँ। शेर का सर कट जाए पर झुकना नहीं चाहिए। मैं सब क्यों कह रहा हूँ पता है? एक मैन में दो तलवार की तरह एक एरिया में दो गुंडे नहीं रह सकते, समझ में आया ना? इधर तुम अकेला उदास बैठे हुए हो और उधर तुम्हारा भाई तलवार लेके खुशियां मना रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेघर कर दिया है और वो हीरो गली में एक दिन का सुल्तान बना फिर रहा है। डायरेक्ट काम की पॉइंट पे आते हैं। उसने मारा तो तुम्हारा दिल टूट गया, अगर तुम उसे मारोगे तो उसका सर कट जाना चाहिए, और तुम्हें क्या करना है वो हमारे शाहिद भाई बताएंगे। देख भाई, क्या हुआ वो तेरे दिल में है और आगे क्या होगा वो मेरे दिमाग में है। दिमाग मेरा और हिम्मत तेरी, तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरे आगे तू रहे, तेरे पीछे मैं रहता हूँ। पूरी सिटी को हैंडओवर कर लेता हूँ, 50-50। उसे मैं तेरे सामने लाता हूँ, तू उसे लात मार या सर पे बिठा, ये तेरी इच्छा। तू उसे लात मार या सर पे बिठा, ये तेरी इच्छा। तू उसे लात मार या सर पे बिठा, ये तेरी इच्छा। ओके बोले तो तेरा फर्स्ट टारगेट तेरा भाई राम। 24 घंटे में राम की लाश तुम्हारे चरणों में होगी। कैसे? हम लोग हम शक्ल जो ठहरे, ये उसके लिए बैड टाइम है। आइए ना, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ। आओ ना, किसी को मारना हो तो जल्दी आ जाते हो, मंदिर में बुला रहे हो तो नहीं आते। भगवान हमें जुड़वा बच्चे दे, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। चलो ना। भगवान ही बचाए। भाभी प्रसाद दोनों। भाभी सॉरी सॉरी जी सॉरी, गलती हो गई। प्लीज प्लीज, गलती हो गई। कहाँ चले गए राम? राम? हाँ चलो चलते हैं। ए, हाँ? तुम धोखेबाज हो। पंडित ने तुम्हें 3 बार प्रदक्षिणा करने के लिए कहा। वो क्या, पहले एक चक्कर काट चुका था। चलो चलो। ए भैया आ गए, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। तुम्हें इसी राम की तलाश थी ना, जिंदा लेकर आया हूँ इसे। ये शाबाश भाई, शाबाश भाई, हो तो ऐसा। इसी ने मरवाया था मेरे भाई को, मेरे इन हाथों से मेरे भाई को मरवाया था। अब इसे बदला 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 बदला। ए राम खत्म हो गया, मेरे भाई को मरवाया था इसने और आज मैंने राम को खत्म कर दिया। बोल क्या चाहिए तुझे?